दो अनार यहाँ पे, ये हॉट अनार है, ये कोल्ड अनार है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको अभी बता दूंगा। तो हाँ जी, क्या हाल चाल, बढ़िया सब। अभी देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक कैट पायरो है ना, ये देखो यहाँ पे लिख रहा ना ये, तो यहाँ पे ऐसे निकलते पायरो। अभी हमारे पास एक बच रहा है, एक ये रहा, तो ऐसे पायरो आते हैं, इस डब्बे में आते हैं। तो डब्बा खोलते हैं, पायरो बाहर आता है। और इन पायरो को, मतलब ये कोल्ड अनार पायरो इसलिए बोल रहा हूँ कि पायरो के नाम से बिकता है। इसको चलाने के लिए ये आती है, ऐसी बंदूक से आती है, यहाँ दो सेल लगते हैं। तो इसको अभी हम कर देते हैं ऑफ पे, इसको हम इधर डालते हैं, ऐसे ये हटाया इधर से इसका फ्यूज, इसको ऐसे डाला यहाँ पे। तो दो वायर है, एक वायर को इधर लगा देना है, ये वाला पीछे करके, ये पीछे करा, एक वायर इधर गया, इसको पीछे करा, एक वायर इधर गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा, इसको ऑन करके, यहाँ से ऑन कर दिया ऑन, और जैसे ही मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा, ऐसे बटन दबाना है, और ये देखो चल गया, ये कोल्ड अनार है। और अगर मैं हाथ में लूं, ये देखो मेरा हाथ लेके आ रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पे जल नहीं रहा, ये देखो, बट बाद में यहाँ पे आग बची थी तो इसमें हाथ नहीं चला। और ये जो हॉट अनार है, ये देखो, अभी हम छोटा वर्जन चला के देखते हैं इसका। ये एकदम हॉट अनार है, ये मुझे पता, और मैं हाथ नहीं लगाने वाला इसको। ये देखो कितना ऊंचा चल रहा है, ये छोटा सा अनार भी बहुत ऊंचा जाता है, बट ये कितना हॉट है ये अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे कोल्ड अनार भी है, हॉट अनार भी है, और दो स्टील के ग्लास है, देखो एकदम मजबूत, दोनों बिल्कुल सेम स्टील के ग्लास है, कोई फर्क नहीं है। तो इन स्टील के ग्लास को इसके ऊपर रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। तो सबसे पहले इस कोल्ड अनार पे रखते हैं, फिर अपने हॉट अनार पे रखेंगे। तो कोल्ड अनार पे रखने के लिए यहाँ पे हमने रख दिया, ये रख दिया इधर, और इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे स्टील ग्लास। अब इसको चालू करते हैं, फिर देखते हैं स्टील ग्लास पे छेद हो पाएगा या नहीं। तो अभी कोल्ड अनार को मैं करता हूँ ऑन, एक दो तीन, ये देखो यहाँ पे स्टील का ग्लास जो है वो लाल तो हो गया बट उसमें छेद नहीं हो पाया। तो यानी ये गर्म तो रहता है, जब इसका प्रेशर बहुत ज्यादा एक ही पॉइंट पे लगातार चलेगा तब तो ये गर्म रहेगा, बट जब हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता, क्योंकि जो इसमें से बाहर निकल रहा है उसके ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे, तो जब तक वो हमारे हाथ को टच करते हैं ठंडे हो जाते हैं। बट जो गर्म अनार है, जो दिवाली का अनार है, उसके ग्रेन्यूल्स मोटे रहते हैं, तो जब तक वो गिरता है वो ठंडे नहीं हो पाते, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए हमारा हाथ जब हम कोल्ड अनार के आगे ऐसे करते हैं तो जलता नहीं है, बट अगर मैं यूं रखे रखता तो लगातार पार्टिकल लगते रहते तो मेरा हाथ जल जाता, जैसे इस ग्लास के साथ हुआ है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ग्लास रख दिया, और अब देखना क्या होता है। यहाँ क्या हाल हुआ है, हमें बत्ती दिखाई दे रही है, मतलब आग दिखाई दे रही है। ये देखो पूरा ग्लास जो है ना छेद हो चुका है इसमें, और ये ग्लो कर रहा है, देखो रेड हॉट हो चुका है ग्लास। तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है दिवाली वाला जो अनार होता ना, इतना पावरफुल होता है, इतनी ज्यादा हीट होती है। तो जब भी जलाओ बहुत दूर हो जाओ, जो चिंगारी गिरेगी ना वो भी गर्म होती है, अगर यहाँ गिर गई तो हाथ जला देगी, कपड़े पे गिरी तो कपड़े में छेद कर देगी, इतना खतरनाक होता है दिवाली वाला अनार। बट जब दूर से देखते हैं तो बहुत मजा आता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे अब दोबारा नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय श्री राम।